आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र में चोरों का आतंक, धर्म स्थलों पर भी चोरों ने मचाया उत्पात, दो मस्जिदों में की चोरी। पार्षद है ये बुंदू चौक सहारनपुर है, इसमें क्या घटना घटी है जिस वजह से लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है? जी कल रात एक मुझे सुबह मालूम हुआ, मुझे कुछ फ़ोन आए कि हमारे यहाँ दो मस्जिद हैं, एक ऊंची मस्जिद के नाम से है मशहूर ये बुंदू चौक पर, और एक मंगलू वाली मस्जिद है PWD के सामने। इन दोनों में रात चोर आए और दो गले मंगलू वाली मस्जिद के फाड़कर पैसे लेके चले गए, और एक गला बीच वाली मस्जिद का फाड़ा उन्होंने और लेके चले। बड़े तसल्ली से उन्होंने ये काम किया, और जो इमाम साहब का जो कमरा है उसको बाहर से बंद कर दिया गया, उन्होंने अपना तसल्ली से काम किया। जब उन्होंने सुबह इमाम साहब हमारे बाहर आने नमाज़ पढ़ाने के लिए आने की कोशिश की तो वो बंद था उनका दरवाज़ा, फिर दूसरे को फ़ोन करके उन्होंने खुलवाया। अब ये बड़े अफसोस की बात है, यहाँ मोहल्ले वासियों से मैंने पूछा कि ये कौन कर सकता है, तुम्हें किस पे शक है? तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कह सकते किस पे, लेकिन हमारे मोहल्ले में स्मैक और क्या बोलते हैं सुल्फा और सट्टा, ये काम बहुत चल रहा है। स्मैक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बाहर के लोग भी आके यहाँ से परचेज़ करते हैं। किससे करते हैं, क्या करते हैं, इतना ही तो नहीं है मुझे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये चल रहा है काम। कुछ लोग उनका नाम नहीं बता पाते थे, किसी को पता भी है वो सोचते हैं कि हम मोहल्ले के हैं तो हमारी रंजिश ना हो जाए, लेकिन प्रशासन को जागना पड़ेगा। अगर मोहल्लेबाज इस चीज़ का मतलब एहतियात कर रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, या डर है उनको कि हमारी रंजिश ना हो जाए, तो हमारी प्रशासन को जागना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी कि यहाँ कोई भी ऐप चौक में ना हो। लेकिन मोहल्लेवासियों को जब इस चीज़ का पता है तो उन्होंने पुलिस में या थाने में कोई कंप्लेन, कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन कभी दी है? एक्चुअली क्या है, मेरे सामने कई बार बात आई है, मैंने उनसे कहा है कि आप कोई तहरीर दो, कौन है, क्या कर रहा है, तो कहते हैं कि हैं मोहल्ले के कुछ लोग, लेकिन हम उनके खिलाफ़ नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फिर मोहल्लेदारी ख़राब होती है, रंजिश का मामला बनता है। हर आदमी यहाँ पे साधारण आदमी है, कोई बहुत ऊँची उसमें नहीं है, सब करना कमाना है, सब मजदूर टाइप के लोग हैं, कोई किसी उलझन में उलझना नहीं चाहता, लेकिन परेशान सब हैं। ये काम प्रशासन का है कि वो इसकी तफ्तीश करें और चेक करें कि कौन है जो ये कर रहा है, और उसे बंद करें। जैसे आप यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं सावे साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस महल्ले या क्षेत्र में जब इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो यहाँ CCTVs की कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे ये सब समस्याएं हट सके या पकड़ में आ सके? इसके लिए हमारे मोहल्ले वासी अपने लेवल पे एक मीटिंग भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ रिजल्ट निकाला जाए कि भाई क्या करना चाहिए, अगर ये मामला हुआ है आगे कोई बड़ा ना हो जाए, क्योंकि स्मैक लेने वाले के लिए तो मैं समझता हूँ चोरी तो बहुत छोटी चीज़ है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो ये बड़ा हमें गौर फिक्र करने की बात है और हमें इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं CCTV कहाँ लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम देखते हैं, डिसाइड करेंगे इसके बारे में। लेकिन प्रशासन को अपने लेवल पे जो काम करना चाहिए, मैं फिर कहूँगा प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या ये जो घटना घटी है, जो चोरी हुई है मस्जिदों में, दो गले फटे गए हैं, तो क्या इस बारे में पुलिस को अवगत कराया किसी ने? जी हमने 112 नंबर पर डायल किया, जिसमें वो आए, उन्होंने तफ्तीश की। अब मोहल्लेवासी सब अपना एप्लीकेशन लेकर एक थाना जी के पास जाएंगे, अब उनसे बात करेंगे, अब देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पे? आई थी पुलिस, आई थी वो तफ्तीश करके चली गई, फोटो लेके चली गई, डिटेल चली गई 112 नंबर पे, जहाँ लखनऊ में जब दर्ज होता है वो सब वहाँ चला गया और सब कुछ डेटा चला गया। ठीक।